यस बेटा, आज हम चैप्टर का एंड करने वाले हैं और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। आपको इतना पता है जो फार्मर्स होते हैं उनके पास इनकम अर्न करने के लिए एक सोर्स होता है और उस सोर्स को कहते हैं हम लोग फार्मिंग। क्या कहते हैं? फार्मिंग। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मिंग के अलावा उनके पास और अदर क्या सोर्सेज हैं इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है, सोर्सेज तो बहुत सारे हैं बट बुक्स में लिमिटेड दिए हुए हैं, तो पहले हम बुक वाले करेंगे फिर अदर करेंगे जो हमें एक्स्ट्रा आते हैं, जो आपको भी आते हैं, जो मुझे भी आते हैं, जो बुक से अलग है। तो सबसे पहला है फार्मर के पास एनिमल हस्बेंड्री। क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। दैट मींस एनिमल को क्या करना, केयर करना, है ना, और क्या करते हैं एनिमल का, ब्रीडिंग करना, वो एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट होता है। तो सबसे पहले आपने मुझे यहाँ पर एनिमल्स के उन एनिमल्स के बारे में बताना है जिन एनिमल को रखने से इनकम जनरेट होती है, जिन एनिमल की हेल्प से इनकम जनरेट होती है। बताइए कौन कौन सी? वन बाय वन। काओ। काओ से क्या होता है? मिल्क होता है, ठीक है। और फिशिंग। एक मिनट, फिशिंग एनिमल है? यू सेड फिशिंग। करते हैं वो हमारा डिफरेंट पॉइंट है। फिशिंग एनिमल है? नहीं है ना। ओके नेक्स्ट, वन बाय वन। हैन। हैन से क्या होता है? एग। तो एग को हम कह सकते हैं पोलिट्री फार्मिंग, ठीक है। यस। और गॉट। गॉट से क्या होता है? मिल्क होता है, और ये मिल्क सबसे न्यूट्रिशियस मिल्क होता है ना। तो अगर इसकी फार्मिंग होती है, मतलब इसको रखा जाता है, तो क्या होगा, इससे न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। और जितने भी जो भी लोग इसको, यस, जो भी लोग फार्म गोट रखते हैं उसके, वो लोग ऑब्वियसली उसका मिल्क कंज्यूम करते होंगे तो आपको हेल्दी मिलेगी। और बताइए और क्या होता है? भेड़। शिप। शिप से क्या मिलता है? वूल मिलती है, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या था। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने बोला एग, बोला आपने हैन, हैन से एग मिलती है, और एग की टर्म में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नंबर वन चाइना, नंबर वन चाइना, नंबर टू यूएस, नंबर टू यूएस, नंबर थ्री इंडिया। गॉट इट? तो एग की टर्म में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही श्रीलंका को एग सेल किए थे। तो इस तरह की न्यूज हमारे पेपर में बहुत काम आएगी कि वो किस वजह से सेल कर पाया। रीजन हमें पता है क्यों, क्योंकि वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर नहीं होगा तो सेल कहां से करेगा। ओके अच्छा, इसके बाद एग से रिलेटेड जो प्रोडक्टिविटी, जो रेवोल्यूशन आया, उसको हम बोलते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन का ईयर क्या है? 1969। तो हमारा एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया, एक सिंगल टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री, 3 मार्क का आ सकता है सिंगल एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें आपने सारे एनिमल्स के नेम बताने हैं, किससे क्या मिलता है वो बताना है, फिर आपने बताना है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग की टर्म्स में, और ये जो है सिल्वर रेवोल्यूशन से इसको डिनोट किया जाता है। सिल्वर रेवोल्यूशन 1969 में आई थी। गॉट इट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड है हमारा, अभी आपने बार आपने बोला क्या, काउ मिल्क। तो मिल्क वाला हमारा हो जाएगा डेयरी फार्मिंग। क्या हो जाएगी? डेयरी फार्मिंग। अब इससे रिलेटेड भी हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, 3 मार्क का भी, 4 मार्क का भी। डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होती है? डेयरी फार्मिंग एक एक्टिविटी है जिसमें उन एनिमल्स को ब्रीडिंग रेयरिंग किया जाता है जो एनिमल मिल्क सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें मिल्क सप्लाई कौन कौन करता है? काओ, बफेलो, गॉट, शिप, शिप का मिल्क होता है, बफेलो, और ये आपका क्या कहते हैं, गोट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, जो आपने सुनी भी होगी या नहीं सुनी होगी, आई डोंट नो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग गांव से हैं? जस्ट रेज देयर हैंड्स प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कितने बच्चों ने अपनी आंखों के सामने जो है मिल्क की प्रोडक्शन होते हुए देखा, मतलब डेयरी जिनके घर के आसपास है? लेट्स सी, आई एम हैविंग अ क्वेश्चन। बेटा यू गेट अप प्लीज। आप मुझे ये बताइए, आपके यहाँ जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है, जो मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें वुमेन है, मैन है, जहाँ आप जाते हैं? खुद का है। खुद का है? मम्मी करती है? पापा? पापा। कौन?
बाबा करते हैं, ओके। आपके यहाँ और किसने देखा है क्या? हाँ जी, कौन करता है? मैन, वुमेन? मैन करते हैं। आपके यहाँ और किसी ने, किसी और ने देखा है? हाँ जी, आपके यहाँ वुमेन, वुमेन करती है। आपके यहाँ वुमेन करती हैं, ओके। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ दी वुमेन, जो रूरल एरिया की वुमेन होती है, वो इन कामों में एंगेज होती है। जो मैन होते हैं वो बाहर का काम करते हैं, जो वुमेन होती है वो ये काम करते हैं, क्योंकि ये घर का काम होता है, इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। तो वुमेन किसमें एंगेज है? डेयरी फार्मिंग में, और ये एक तरह का उनका इनकम अर्न करने का सोर्स भी है। अब एक बात बताओ, किसी फार्मर की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई और उसके पास बफेलो है, तो एटलीस्ट वो सर्वाइव तो कर सकता है, उसके पास इनकम का एक सोर्स तो है। अच्छा है या बुरा है? अच्छा, इट्स गुड। तो इसमें मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। आपके यहाँ जो है मिल्क मैन है, वो मिल्क मैन विलेज से अर्बन एरिया में मिल्क सेल करने जाता है, ठीक है। अब जब वो मिल्क सेल करने जाता है, आप लोग सभी जानते हो कि विलेज से लेकर अर्बन एरिया का डिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग होता है, चलो यहीं पे शॉर्ट है, नॉर्मल से लॉन्ग होता है। वो लॉन्ग डिस्टेंस में जाते जाते उसका जो मिल्क है वो ख़राब हो जाता है और उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। इसको देखते हुए फार्मर्स ने बोला कि भाई हमारी कोई हेल्प करो कि हमारा जो मिल्क है वो अच्छे प्राइस पे सेल हो जाए, हम अपने जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनको भी अच्छे से खाना खिला पाएं, क्योंकि अगर हमें पैसे मिलेंगे नहीं तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। ये सब देखते हुए 1946 में एक कंपनी आई, कंपनी नहीं है वो, कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव। 1946 नाम क्या है पता है? अमूल। क्या नाम है? अमूल। अमूल के बारे में सुना है ना? सारे बोलना, क्या सुना है अमूल के बारे में? वेरी गुड। तो ये कौन से स्टेट में आई सबसे पहले? गुजरात। इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ, जितने भी फार्मर्स थे वो अपनी अपनी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग अपना मिल्क लेकर आओ, जैसे कि किसी का बफेलो है का है, किसी का काओ का है, किसी का गोट का है, तो अपनी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग मिल्क लेकर आओ और सारे मिल्क को कूल कर दो। क्या कर दो? कूल का मतलब जानते हो? इकट्ठा कर दो। अब इससे क्या होगा, अमूल वालों का काम है कि वो उस मिल्क को आगे शहरों तक कैसे पहुंचाते, उनके पास तो ऑप्शन थे। और ये अमूल क्या है? ये कंपनी है नहीं, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इट इज नॉट अ कंपनी। पहले क्या थी? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मिलकर फार्मर्स की इस प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के सोसाइटी बनाई, सोसाइटी बना के सारे फार्मर्स के मिल्क को पूल किया और मिल्क को पूल करने के बाद क्या किया? सेल किया, जिससे फार्मर की इनकम बढ़ गई, अच्छी इनकम होने लगी। तो इज इट गुड और बैड? वेरी गुड। अब इसको फॉलो करते हुए फिर अदर स्टेट्स ने भी कोऑपरेटिव बनाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने देखा कि अमूल वाला सक्सेस रहा तो हम भी करते हैं, तो धीरे धीरे काफी सारे स्टेट्स ने कोऑपरेटिव्स बना के मिल्क को सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब मिल्क कौन से कलर का होता है? इसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। हाँ जी, कौन का? क्या कहते हैं इसको? व्हाइट रेवोल्यूशन। फादर का नाम नहीं पता? वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, ठीक है। मिल्क रेवोल्यूशन 1946 नाइन, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने खाली बोला मिल्क रेवोल्यूशन की फादर का नाम डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दूध की बाढ़ आ गई कि हर जगह दूध पहुंच गया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड। और अब आपने 1970 बोला, 1970 में क्या था? 1970 में उन्होंने मिलकर एनडीडीबी सेटअप किया था, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये वन मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, वन मार्क का। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया ही है, ठीक। तो आपने दो सीख लिए, एक सीखा आपने एनिमल हस्बेंड्री और दूसरा क्या सीखा? क्या सीखा? डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में कौन सा रेवोल्यूशन है? व्हाइट रेवोल्यूशन। और एनिमल हस्बेंड्री में सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन का ईयर? अमूल का ईयर? एनडीडीबी का ईयर? हो गया यार, नेक्स्ट आ जाओ। अभी हम बुक वाले पढ़ रहे हैं, बाद में हम बिना बुक के पढ़ेंगे, जो अदर मतलब हम अदर पॉइंट्स बनाएंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारा
पालना। सबसे पहली बात, जितनी भी फिशिंग बॉडीज होती हैं, जहां जहां पानी होता है, जहां जहां फिशेज होती हैं, फिशेज करने वाले उसको माता समझते हैं अपनी। क्यों समझते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वहां से इनकम अर्न हो रही है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से इनकम अर्न होती है, फिशरीज उनमें से एक है फार्मर के लिए। अब मैं आपको इसमें भी कुछ चीजें बता दूं, फिशरीज में ज्यादातर वुमेन एनरोल्ड है, जितनी भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं उनमें मोस्टली वुमेन एनरोल्ड है। शॉर्टकट आपको याद रहेगा, एक लाइन आप हर एक पॉइंट में डाल सकते हैं। ठीक है, अब फिशिंग कहाँ से मिलती है? फिशरीज पानी से। पानी का कलर क्या होता है? ब्लू, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? अब तो भूलने का तो मतलब ही नहीं है। व्हाइट कलर का दूध, व्हाइट रेवोल्यूशन। ब्लू कलर का वाटर, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है ना, अब ये ब्लू रेवोल्यूशन कौन से ईयर में आया? ईयर लिख रही हूँ 1985 to 1990। अब पेपर वाला इतना शरीफ तो है नहीं जो आपसे इतने प्यार से पूछेगा ये कौन सा प्लान है। फाइव फिफ्थ प्लान याद है? Yes, है ना, तो फाइव फिफ्थ प्लान के अकॉर्डिंग ये सेवेंथ प्लान है। कौन सा प्लान है? इसके फादर कौन है? नहीं, हीरालाल चौधरी। कौन है? हीरालाल चौधरी। ठीक है, अब इसमें क्या था? इसमें ये था बच्चे, सबसे पहली बात, इंडिया की जीडीपी का 0.9% पोर्शन यहां से आता है। जीडीपी क्या होती है? कंट्री की इनकम। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपके पापा की इनकम है 1,00,000 रुपी, जिसमें से 10,000 आते हैं रेंट पे से, तो आपके पापा की इनकम का 10% रेंट से आ रहा है। समझ में आया? तो उसी तरह हमारी पूरी कंट्री की इनकम का 0.9% कहां से आ रहा है? जीडीपी कहां से आ रहा है? फिशरीज। कहां से आ रहा है? जीडीपी मतलब कंट्री की इनकम, और हमारी कंट्री की इनकम का 0.9 आता है फिशेज से। ठीक है, आगे सुनेंगे। हमारी कंट्री में 60% फिशेज का जो एक्सपोर्ट होता है वो वुमेन करती है, 40% हमारे कंट्री के अंदर होता है, 40% इंडिया में वुमेन है जो इनरोल्ड है इस काम के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको पता है फिशिंग आपको लगता है बहुत अच्छा बिजनेस है या बहुत अच्छी इनकम होती होगी? नहीं ना, तो फिशिंग करने वालों की इनकम बड़ी स्मॉल होती है, इसलिए वो हमेशा कर्जे में रहते हैं, अंडर डैप्ट रहते हैं। फिशिंग करने वाले वही रहेंगे जहाँ आसपास पानी होगा ना, फिशेज होंगी, तो क्या वो बड़ी जल्दी जल्दी माइग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जल्दी तो क्या, देर में भी वो माइग्रेट नहीं कर सकते। अभी आप लोग जहाँ रहते हो, आपको बाय चांस घर सेल करना पड़े, आप चले जाओ क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जो फिशिंग का काम करते हैं वो इतनी इजीली माइग्रेट नहीं कर सकते। उन बेचारों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ओके, फर्स्ट वो पुअर होते हैं, सेकेंड वो माइग्रेट नहीं कर सकते, जीडीपी में ओनली 0.9% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उसमें वुमेन ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। गॉट इट? 3 मार्क का हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, कौन सा रेवोल्यूशन है ये? ब्लू रेवोल्यूशन। फादर कौन है? हीरालाल चौधरी। ईयर 85 to 1990। कौन सा 5 to 10 था? 7। हो गए 3 पॉइंट यार। नंबर 4 है हमारा हॉर्टिकल्चर। क्या है हॉर्टिकल्चर? क्या होता है हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन प्रॉपर्टी प्लांट्स। वो प्लांट जिनकी मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, ये सब, इन सब से बना है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं तो ध्यान से सुनना, हॉर्टिकल्चर मेन कौन से ईयर में, किस ईयर में इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी? 1991 to 2003। आपको अच्छे से पता है हमारी कंट्री में फ्लावर्स का इतना सिस्टम नहीं था। हम लोग फ्लावर्स देते थे एक दूसरे को, जैसे आजकल देते हैं, आजकल कोई भी डे हो फ्लावर हो जाता है, रोज डे फ्लावर डे हो गया, है ना, वैलेंटाइंस डे फ्लावर डे हो गया, आजकल हम हर बात पे फ्लावर्स देते हैं, बुके लेके जाने का फैशन हो गया हमारे यहाँ, तो जिसकी वजह से फ्लावर्स की, फार्मर्स की इनकम रेज हो गई, हुई है कि नहीं हुई है? आप लोगों ने फ्लावर्स को ट्रेंड में लेकर आए हो क्योंकि आप वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हो, तो आपके वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने की वजह से फार्मर की इनकम रेज हो गई, हुई है कि नहीं हुई? अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला, हॉर्टिकल्चर में किस चीज की प्रोडक्शन थी? फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिकल प्रॉपर्टी प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर में इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट।
फर्स्ट चाइना, फर्स्ट चाइना। इंडिया की जीडीपी का 6% हॉर्टिकल्चर से आता है। इंडिया की जीडीपी का 6% हॉर्टिकल्चर से आता है, ठीक है। उसके बाद हॉर्टिका इसको किस नाम से बुलाया जाता है? गोल्डन रेवोल्यूशन। किससे बोलते हैं? गोल्डन रेवोल्यूशन का ईयर 1991 टू 2003। गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर नहीं पता, निरपाक टुटेज, निरपाक टुटेज, ओके। इसमें क्या था? इसमें इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया। ये वुमेन ज्यादा करती है, इनकम का बेस्ट सोर्स है। क्यों है? क्योंकि फार्मिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो इससे अच्छी इनकम अर्न करते हैं। और फार्मर जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इसकी वजह से बढ़ा, क्योंकि मार्केट में देखा ना, एक रोज का प्रार कितने का मिलता है? 50 नहीं 20 का, चलो ठीक है आप 50 का लेते हो तो 20 रुपीज का एक फ्लावर मिलता है। तो मार्केट में फ्लावर्स की कितनी डिमांड है या नहीं है? और फ्लावर्स के प्राइसेस भी हाई है, तो फार्मर को इससे बहुत अच्छी खासी इनकम मिलती है। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो रहा है वो इसी की वजह से, ठीक है। लास्ट पॉइंट फ्रॉम द बुक, उसके बाद हम खुद से बनाएंगे। बुक का लास्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ हम ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको कल भी देखने को मिल सकता है। किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग कंप्यूटर, इंटरनेट। और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या रोल है? इसका ये रोल है, इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। नाम ही इसका यही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक फार्मर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि दूसरे एरिया में, किस एरिया में फ्लड आई हुई है, किस एरिया में फूड की स्कैसिटी है, कहाँ पे फूड सप्लाई करना है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन रिलीज करती है। तो फार्मर को आईटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हुए कि नहीं हुए? और क्या बेनिफिट हुआ है? कोई बेनिफिट बताइए। वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फार्मर को पहले ही पता चल जाती है वेदर। आप स्कूल आने से पहले वेदर चेक करते हो? अभी नहीं कर रहे, बारिशों के दिनों में सबसे पहले करोगे कि आज बारिश का नेक्स्ट डे रेनफॉल होगा या नहीं होगा, छुट्टी मिलेगी कि नहीं। हाँ जी, हाँ छुट्टी मिल जाएगी इसलिए। तो उसी तरह फार्मर्स भी रेनफॉल पहले चेक करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाई, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रूरल एरिया में बहुत ही एक ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? तो ये तो हमने किए बुक के पॉइंट्स। अब मुझे बताओ इनके अलावा गांव में और कौन से काम है जो फार्मर कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए? हमने बुक वाले बता दिए सारे, अब बिना बुक के आप बताए। हैंडीक्राफ्ट, वेरी नाइस। फार्मर को मटके बना सकते हैं ना, पपेट्स बना सकते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से कोई भी चीज वो बना के सेल कर सकते हैं, ये भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का एक पार्ट है। और स्टोर हाउस, मतलब गोडाउन, चलो फार्मर गोडाउन खोल सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते। गोडाउन में क्या होता है? अगर आप किसी को गोडाउन रेंट पे दोगे तो पैसे मिलते हैं, ठीक है। और अभी तो बहुत कुछ है, बात हो गई। ट्रांसपोर्टेशन, गांव से शहर तक आने के लिए लोगों को ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, तो वहां पर वो अपना ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दे, ऑटो लगा लो या बसेस लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये भी इनकम का एक सोर्स है, गांव से शहर तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल, एक बात बताओ, फार्मर ने वीट बनाया, फार्मर ने राइस बनाया, भाई नमक मिर्च भी तो चाहिए। तो एक शॉप स्टार्ट कर दो अपनी, छोटी सी ग्रोसरी शॉप, नमकीन बिस्किट नमक मिर्च वाली, है ना। तो ग्रोसरी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं फार्मर, है या नहीं? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन। तो वी नीड नॉट स्टिक ऑन द बुक, हमें बुक पे स्टिक नहीं होना कि बुक के पॉइंट्स हम लेंगे, बुक का पॉइंट वो पूछता है तो बुक का लेंगे, अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। गॉट इट? ओके, दिस क्वेश्चन इज ओवर नाउ। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो बॉक्स में दिया हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं पढ़ाऊंगी, उस पर डिबेट चलेगी, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, पहले पढ़ा चुकी हूँ, उस पर डिबेट करनी है। लास्ट क्वेश्चन जो बुक में बॉक्स में दिया हुआ है, संसद आदर्श ग्राम योजना, सबको दिख रहा है? यस ओके, मैंने चलो उसी को देखूंगी डायरेक्ट। संसद
आदर्श ग्राम योजना क्या होती है? नाम से क्लियर हो रहा है आपको? नहीं हो रहा? हो रहा है? देखो आदर्श मतलब आइडियल, ठीक। संसद मतलब पार्लियामेंट, ग्राम मतलब विलेज, योजना मतलब प्लानिंग या स्कीम। ओके, अब देखना बहुत ही सिंपल है ये। कैसे? ध्यान से सुनना। देखो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम जो चलाया वो 2014 तक चलाया, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारी कंट्री में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन सबको एक एक गांव गोद लेना, एक एक गांव गोद लेना, और उस गांव में, उस गांव को एक आइडल गांव बनाना है। आइडल गांव का मतलब, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ फिर समझाऊंगी ये होता क्या। आप में से कभी कोई ऐसी जगह गए जहां पे फ्लैट्स बन रहे हैं? फ्लैट्स बन रहे हैं, गए हो? उनके पास हमेशा एक सैंपल फ्लैट होता है, बिल्कुल बना बनाया, देखा है आपने? जब आप जाते हैं वहां एक सैंपल फ्लैट होता है, वो सैंपल फ्लैट इतना ब्यूटीफुल बनाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। प्लास्टिक मॉडल नहीं, एक सैंपल फ्लैट जिसमें हम खुद रहते क्या है? मतलब सैंपल बना रखा है। अब वो सैंपल फ्लैट देखते ही हमारा दिल करता है वाओ ये ले लेते हैं। बाकी सारे फ्लैट उस सैंपल के बेस पे बनते हैं, तो वो सैंपल फ्लैट जो होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा मॉडिफाइड होता है, अंदर फर्नीचर भी वो लोग सेट करके रखते हैं। बट हमारा जो होगा उसमें तो फर्नीचर हम खुद लगाएंगे ना, हमारा फर्नीचर थोड़ी उतना अच्छा होगा, या हमारा थोड़ी वाओ वाली फीलिंग आती है जैसे उस सैंपल फ्लैट को देख के आए। तो सिमिलरली गवर्नमेंट ने बोला जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक एक गांव गोद ले और एक एक गांव को वैसा बनाओ जैसा आप चाहते हो कि होना चाहिए। उस गांव में एजुकेशन, वाटर, सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। गांव की पॉपुलेशन 3 to 5,000 होनी चाहिए कम से कम, और वो गांव आपका खुद का नहीं होना चाहिए, आपका या आपकी वाइफ का या आपके बच्चों का, मतलब आपके रिलेटिव से रिलेटेड वो गांव नहीं होना चाहिए। फिर उस गांव की डेवलपमेंट करो, और जब वो एक गांव डेवलप हो जाए तो उस गांव को हम कहेंगे मॉडल विलेज। फिर इसको देखकर बाकी सारे गांव डेवलप हो, आया समझ में? तो पहले एक मॉडल तैयार करो, मॉडल विलेज 2016 तक, 2014 में स्टार्ट किया था, बोला था 2016 तक एक मॉडल विलेज स्टार्ट मतलब प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो 2016 तक एक मॉडल विलेज प्रिपेयर करो, उसके बाद फिर उसको देखकर और। इससे क्या होगा, हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत सारे हैं, एक एक गांव भी अगर सारे लेते हैं तो कितने सारे गांव डेवलप हो जाएंगे? अप्रॉक्स 2500 विलेजेस जो है वो डेवलप हो जाएंगे एक बार। गॉट इट? अब लास्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, चैप्टर ओवर।